स्वागत है आपका सुपरस्टार भोजपुरी में। भोजपुरी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। खेसारी लाल यादव को, जी हाँ, खेसारी लाल यादव को किसी फैमिली ने नामर्द कहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने खुद लाइव आकर कहा है। खेसारी लाल यादव ने यूट्यूब पर लाइव आकर ये कहा है कि एक परिवार ने उन्हें नामर्द कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो परिवार को हम सभी जानते हैं। जी हाँ, उनका इशारा राजकुमार पांडे की तरफ कहीं ना कहीं था। उन्होंने इनडायरेक्टली नाम ना लेकर इनडायरेक्टली उन सब का नाम ले लिया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने आप को मर्द साबित करने के लिए और क्या क्या करे। उन्होंने अपने बाइसेप्स दिखाते हुए कहा कि अपने आप को मर्द साबित करने के लिए क्या करे, और उन्होंने ये भी कहा कि वो परिवार उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करके उनके खिलाफ भड़का रहे हैं और गाली गलौज से बात कर रहे हैं, और उनका ऐसा कहना है कि वो परिवार उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। कैरेक्टर मींस उन्होंने जो फिल्म में औरत का कैरेक्टर निभाया है, जैसे दिलवाले मूवी में उन्होंने एक रोल प्ले किया था, और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने जो किरदार निभाए हैं औरतों के, उस पर वो परिवार भी उंगली उठा रहा है और उनको इसीलिए नामर्द कहा गया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बॉलीवुड में भी ऐसे कई दिग्गज अभिनेता हैं जिन्होंने लड़की और औरत का रोल प्ले किया है अपनी फिल्म में, जैसे गोविंदा और भी कई। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्हें शर्म नहीं आई तो मैं क्यों शर्म करूं और किसी की बात मैं क्यों मानूं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जितनी भी बेइज्जती हुई है उसका बदला उनकी ऑडियंस ले, यानी कि उनके फैंस ले। खैर, जो भी हो, हम तो बस यही चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी में जो भी तहलका आया है वो शांत हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।